देते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान कहते हैं। कल ये आए टीवी पे और कहने लगे कि मैंने ऐसे कब कहा, अगर मैं ऐसा कहता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता, तो हो सकता है फिर हम नहीं समझे कि आप ना लायक हैं। आप तो चौंक ही गए होंगे, हम विपक्ष के नेता चौंक गए हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरे तो घर के आसपास मुसलमान लोग रहते थे, मैं रोज बिरयानी खाता था। प्रधानमंत्री पद का ये स्तर हो गया है कि रोज सुबह से शाम तक पिछले 3 महीनों से तो ये पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी भाषण देते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान कहते हैं। और कल ये आए टीवी पे और कहने लगे कि मैंने ऐसे कब कहा, मतलब पूरा देश देख रहा है आप रोज रोज कह रहे हो। और अचानक एक दिन सुबह उठे कि मैंने ऐसे कब कहा, अगर मैं ऐसा कहता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता, तो हो सकता है फिर हम नहीं समझे कि आप ना लायक हैं। हो सकता है कि आप समझ गए हैं कि आप लायक नहीं रहे इस पद को पे आसीन होने के लिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही अपनी बात को गलत कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो है उसको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि देश के सामने जो मैं कह रहा हूं उस पर मुझे, मतलब वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मैं पीछे ना हटूं। इतना तो होना चाहिए कि सच्चाई बोले, अपनी बात पर अमल करे। ये भी नहीं है, हमें मालूम नहीं कि आज क्या कहेंगे कल उसका खंडन कर देंगे। आज कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डाल रहे, कल कह देंगे कि वो तो चुनावी जुमला था। अब महीनों से आपको कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अचानक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरे तो घर के आसपास मुसलमान लोग रहते थे, मैं रोज बिरयानी खाता था। तो आप तो चौंक ही गए होंगे, हम विपक्ष के नेता चौंक गए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनको या तो अपनी बातें याद नहीं है जो कल परसों कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं देश में कि देश का जो सबसे बड़ा पद है उस पर जो आसीन है प्रधानमंत्री अपनी बात यूं यूं बदल रहे हैं, गिरगिट की तरह है, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जाने क्या नहीं जाने, किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास नहीं करें। तो देखिए देश के लिए हम लोग हंस सकते हैं, हम हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैंस चुराएंगे, कल को कह देंगे कि हमने ये भी नहीं कहा, हम हंस रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है भाई और बहनों, प्रधानमंत्री के हाथ में देश की पूरी बागडोर है, प्रधानमंत्री के हाथों में देश की सुरक्षा है, प्रधानमंत्री के हाथों में आपका भविष्य।